हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2.5 KVA का अल्टरनेटर के बारे में, वाइंडिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप वाइंडिंग की जाती है और इसका कनेक्शन कैसे की जाती है। तो आप मेरे वीडियो को पूरी देखते रहिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लगाता रहता हूँ। दोस्तों, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये 2.5 KVA की अल्टरनेटर है, महिंद्रा कंपनी का है। ये 2.5 KVA का है। तो इसका एक वाइंडिंग, जैसे चार फील्ड होते हैं इसमें, इस कॉयलों को फील्ड कहा जाता है, चार फील्ड होते हैं जिसका एक फील्ड जल चुका था, तो मैंने इसको खोल दिया है। तो आज इसी को वाइंडिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो इसके पहले मैं आपको इसके वायर के बारे में बताता चलूँ। दोस्तों, एक फील्ड से चार लीड निकलती हैं, इसमें दो वायरों से वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों, एक मोटी वायर से जो 17 नंबर का है, और एक पतली वायर से वाइंडिंग की जाती है जो 26 नंबर है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये भी नए वाइंडिंग दिख रहे हैं, लेकिन ये वाइंडिंग नए नहीं है, ये कॉयल सही थे। मैंने इसका कॉटन टेप केवल लपेटा है ऊपर से, और इसका स्लिप वगैरह भी ख़राब हो चुका था, तो मैं जिसका जो स्लिप ख़राब हुआ था उस स्लिप को मैं चेंज कर दिया हूँ और कॉटन टेप लगा दिया हूँ। ये तीनों कॉयल ठीक थे। यहाँ का कॉयल जल चुका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा, ये जली हुई कॉयल है, ये पतली वाली यानी 26 नंबर की वायर जो है जल चुकी थी, और इसके नीचे ये रहती है 17 नंबर, ये जो आपको दिख रही है। ये कॉयल बिल्कुल ठीक थी, एकदम बिल्कुल फ्रेश थी, क्योंकि इस कॉयल के ऊपर ये PVC ये टिम्प्लेक्स पेपर रहता है ऐसे करके, और इसके ऊपर से ये पतली वायर का बाइंडिंग होता है, तो पेपर के कारण इस बाइंडिंग में कोई चीज़ जला नहीं। इस बाइंडिंग में पेपर बचा लिया इसको, और ये वाला बाइंडिंग बिल्कुल पतली वाला बाइंडिंग बिल्कुल जल चुका है, इसलिए मैं इस कॉयल को खोल दिया। तो आज इसी कॉयल का बाइंडिंग कैसे की जाती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं लोहे की, ये इसकी कोर है जो यहाँ पे ऐसे कसी रहती है, इधर से दो बोल्ट से इस टाइट की जाती है, दो बोल्टों का जगह आपको दिख रहा है। इसी से इस कॉयल में ऐसे डालकर पेपर सहित डालकर, पेपर ऊपर से लपेट कर डालकर इसको यहाँ पे फिट की जाती है, जो मैं इसको बाद में बताऊँगा आपको कैसे फिट की जाती है। और दोस्तों, इस बाइंडिंग करते समय इसका एक ध्यान जरूर देना चाहिए कि इस पर देखिए मैंने 4 नंबर कोर लिख दिया हूँ, तो हर एक कोर का अलग अलग नंबर होता है दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे 4 बिंदु लगा हुआ है, ये कंपनी वालों ने ही अल्टरनेटर पर लिख देते हैं। ये 4 नंबर है, ये 1 नंबर है, यहाँ पर 1 लिखा होगा, यहाँ पर 2 है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 3 बिंदु है, यहाँ पर 4 दिख रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ से खोला तो इस पर भी लिखा रहता है, लेकिन देखिए यहाँ पर भी 4 बिंदु दिया हुआ है, फिर भी मैंने इसको 4 लिख दिया हो। मान लीजिए ये अगर मिट जाए तो अपने हाथ से लिख देना चाहिए खोलने से पहले कि ये 4 नंबर है। ये नंबर अलग अलग लग जाते हैं तो इसमें दिक्कत आ जाती है। तो आइए इसको बाइंडिंग करते हैं, कैसे बाइंडिंग करते हैं। तो दोस्तों, इस कॉयल को बाइंडिंग करने के लिए ये फार्मा की ज़रूरत होती है, जो आपके सामने पड़ी हुई है। ये देखिए, ये फार्मा है, इससे थोड़ी सी बड़ी साइज का जो कॉयल रहती है उसके लिए है ये फार्मा, और 2 फार्मे इसमें और हैं, जो ये बड़ी वाले जनरेटर का फार्मा है इसको अलग रखिए। देखिए, ये फार्मा इस जनरेटर की साइज की है। फार्मा नापने के लिए दोस्तों ये कोर की साइज होना बहुत ज़रूरी है। इस कोर की लंबाई 4 इंच है, और यही जो आपको कोर के ये भाग जो दिख रहे हैं यही फार्मा है। जैसे ये मैं फार्मा बना रखा हूँ, लकड़ी का है ये, बीच में एक होल होता है जो इस बोल्ट में आ जाए, इस टाइप का होल करना पड़ता है, और इसकी लंबाई उतना ही होना चाहिए जितना कि ये लोहे के कोर की लंबाई है। इस लंबाई से थोड़ी सी बड़ा होना चाहिए, 2 mm लमसम बड़ा होना चाहिए कि चारों तरफ से 1-1 mm बड़ी साइज के कॉयल बने, ताकि आराम से इसमें पेपर आने के बाद से भी इसमें आराम से बैठ जाए। तो ये फार्मा है दोस्तों, परंतु इस फार्मा का मैं प्रयोग नहीं करूँगा इसके लिए, क्योंकि इस फार्मा का प्रयोग किया जाता है जब ये भी कॉयल जल जाए, जब मोटी वाला वायर भी जल जाए ये, तब इस फार्मा का प्रयोग किया जाता है दोनों एक साथ बांधने के लिए। लेकिन ये कॉयल बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने नया स्लिप इसमें डाल दिया है। अब इस फार्मा के जगह पे इसमें हम इस कवर में इस कॉयल को ही ऐसे डाल देंगे ऐसे, और इसके ऊपर से मैं ये कवर पहना दूंगा, अन्यथा अगर ये भी जल रहती तो इसको ऐसे ये फार्मा डाला जाता, फिर ये कवर पहना कर इस पर तार लपेटा जाता दोस्तों। तो इस फार्मा का कोई यहाँ काम नहीं है, क्योंकि ये कॉयल बिल्कुल सुरक्षित है। अब इसी कॉयल को यहाँ डाल देंगे, तो कॉयल डालने से पहले इस लीड को अंदर के साइड मोड़ दिया जाता है, और इसके ऊपर से एक पेपर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये पेपर टिम्प्लेक्स पेपर का प्रयोग किया जाता है, मैं इसके ऊपर से टिम्प्लेक्स पेपर का प्रयोग कर रहा हूँ।
इसको ध्यान देना है दोस्तों कि नीचे ये मोटी वाली वायर का लीड किधर से स्टार्ट हुई है, वहीं से पतली वाली वायर का भी लीड स्टार्ट करना पड़ता है। दोस्तों ये मोटी वाली वायर का वज़न है 450 ग्राम और ये पतली वाली का वज़न भी 450 ग्राम ही इसमें लपेटा जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटर वाइंडिंग में टर्न से कोई मतलब नहीं रहता है, वज़न के अनुसार इसमें तार को लपेटा जाता है। तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग वाइंडिंग यहाँ से शुरू हुई है ये, तो सेम उसी तरह ऊपर वाले वाइंडिंग का भी स्टार्टिंग वहीं से शुरू करना होता है। तो दोस्तों इसको यहाँ फार्मा पे लगा लिया जाएगा ऐसे, और इसके ऊपर से कवर डाल दिया जाएगा, ये बीच में होना चाहिए इस प्रकार से। वाशर के रूप में ये फार्मा का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। इसके ऊपर नट से बढ़िया से टाइट कर देना चाहिए। प्लास से इसको कस देना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कॉयल को फार्मे के बीच में सेट कर लिया है बिल्कुल, नहीं अगर ये कॉयल बिल्कुल ठीक नहीं रहती, जली हुई रहती, तो इस कॉयल के जगह पर इस फार्मा को मैं सेट करता और इसके ऊपर मोटी वाली वायर को लपेटता, और 450 ग्राम वायर लपेट देने के बाद से सेम इसके ऊपर पतली वाला वायर लपेटता। तो दोस्तों ये कॉयल सही है, इसीलिए इस कॉयल को फार्मा के अंदर लगा लिया है। अब देखिए फार्मा का आकार देखिए दोस्तों, ये दो स्क्रू स्टूल पर, एक स्टूल पर दोनों स्क्रू को कस दिया जाता है दोस्तों, और इसको हाथ से ऐसे घुमाया जाता और वायर यहाँ पे रख दिया जाता तो अपने आप ऐसे ऐसे घूमती, लेकिन यहाँ पे स्टूल नहीं है दोस्तों, मेज है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही स्थिर रख के और मैं अपने हाथ से इस वायर को लपेटूँगा। तो देख आइए दोस्तों इसको लपेटते हैं। दोस्तों ये 26 नंबर का नया वायर है मेरे पास, 26 नंबर का वायर, पतली वाली वायर को मोटी वाले वायर के ऊपर सेम वैसे ही लपेटना है जैसे मोटी वाली कॉयल बनी हुई है नीचे, उसके ऊपर सेम उसी दिशा से इसको भी लपेट देना है। और सिंगल वायर का वाइंडिंग होगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको दो रील से वाइंडिंग करूंगा क्योंकि जल्दी हो जाएगा, ये डबल वायर लेकर चलूंगा, लेकिन कनेक्शन द्वारा इसको सिंगल बना दूंगा बाद में जाके, क्योंकि 450 ग्राम लपेटने में थोड़ा समय लगेगा दोस्तों, इसीलिए मैंने 225 ग्राम का दो टेयर ले लिया है और दोनों वायर को एक साथ लपेट देंगे और बाद में जाकर एक वायर को सीरीज कर देंगे, सिंगल वायर के रूप में बदल जाएगा। फिलहाल में मैं दो वायरों से इसको लपेट रहा हूँ। तो आइए इसको इसका वाइंडिंग शुरू किया जाए। दोस्तों आप इस रील को नीचे रख के भी इसमें लपेट सकते हैं, तार अपने आप आता रहेगा, और चाहें तो आप ऐसे किसी रॉड में डालकर कहीं फंसा सकते हैं या किसी के थ्रू पकड़वा भी सकते हैं। तो मैं इसको बाइंडिंग कर रहा हूँ, ये दोनों वायर को एक साथ पकड़ लिया जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से इसका बाइंडिंग शुरू करते हैं, इसको यहाँ पे फंसा देंगे, इसका टर्न नहीं गिनना है, केवल इसमें 450 ग्राम वायर लगा देना है। दोस्तों ये बाइंडिंग हो गई बिल्कुल, 450 ग्राम तार इसमें आ गया, 225 ग्राम का दो तार से मैंने अब उसको सीरीज करके सिंगल तार मैं बना लूँगा इसको। तो अब इसको फार्मा को खोलेंगे बहुत ही आराम से। ये कॉयल आपको सामने दिख रही है, बिल्कुल ओके कॉयल है। अब इस कॉयल के चार जगह से बांधना है, एक यहाँ, दो यहाँ और दो इस साइड, ताकि कॉयल सेपरेट हो जाए। इस धागे से मैं चार जगह बांधूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो दोस्तों धागे से मैंने चार जगह इसको बांधकर कॉयल को स्थिर कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब इसको सीरीज में करने के लिए इसको पता करना पड़ेगा कि कौन जो मैं हाथ में पकड़ा हूँ वायर, ये वायर इन दोनों में से कौन सा है, तो इसके लिए मुझे टेस्टिंग लैंप से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका ऊपर का मैं इंसुलेशन पॉलिश निकालूंगा, चारों का मैं इंसुलेशन पॉलिश निकाल दूंगा चेक करने के लिए। दोस्तों मैं इसको सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक करूंगा कि कॉयल का पोजीशन क्या है। दोस्तों इस वायर से ये वाला वायर
चल रही है और ये वाला वायर बिल्कुल नहीं जल रहा है। तो अब दोस्तों ये वाला वायर जल रहा है, तो ये वाला वायर को इस वायर में नहीं जोड़ना है, जो नहीं जल रहा है उसमें जोड़ना है। ये वाला वायर से ये वाला वायर नहीं जल रहा है, इसलिए मैं इसी में जोड़ूंगा। ये वाला जल रहा है मतलब ये दोनों पॉइंट एक है और ये पॉइंट नहीं जल रहा है, तो मैं इस पॉइंट को इसमें जोड़ूंगा, तभी जाकर सीरीज बनेगा। देखिए ये वाला तार को मैंने जोड़ दिया, अब इसका भी ऊपर का पॉलिश हटा के इसको ज्वाइंट मार दिया जाएगा। दोस्तों इस ज्वाइंट को मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है और इस ज्वाइंट में अब स्लिप ऐसे पहना दिया जाएगा। इसमें स्लिप डालकर और कहीं भी इसको इस धागे के अंदर लगा सकते हैं ऐसे। ये कंप्लीट हो गया। अब आइए, और ये मोटी वाली वायर का दोनों सिरा है, एक स्टार्टिंग एक फिनिशिंग, और ये पतली वायर का दोनों सिरा हो गया। आइए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप से कि ये बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये दोनों पतली वायर भी बाइंडिंग सही है और ये मोटी वाला वायर भी बाइंडिंग सही है। तो दोस्तों ये कॉयल बन के बिल्कुल तैयार हो गई। ऐसे ही कॉयल उस तीनों फील्ड का भी बांध लेना है जिसके साथ ये लगे हुए थे, सेम इसी तरीका से। अब इसमें इस वायर में भी स्लिप पहना कर इसके कॉटन टेप से चारों तरफ लपेटेंगे दोस्तों, तो उसको उसका भी प्रक्रिया कर ही लेते हैं। दोनों में तो स्लिप पहना दिया हूँ, इसमें स्लिप पहना कर और इसके ऊपर से कॉटन टेप से राउंड करेंगे। दोस्तों इस वायर में मैंने स्लिप लगा दिया दोनों पतली वाली वायर में, अब इसके ऊपर से ये कॉटन टेप है दोस्तों ये, अब इसके ऊपर से कॉटन टेप से इसको बहुत ही सेफरेट ऐसे बांध देंगे। खूब टाइट बांधना है कॉटन टेप से दोस्तों। तो दोस्तों ये साइज का पेपर कटिंग करना है कि इसके गोल राउंड में घूम जाए। देखिए मैंने कैसे इसको काटा है पेपर को, सेम ऐसे ही काटना है जो इस कोर के ऊपर ऐसे आए। देखिए जैसे आ रहा है ऐसे, इसको इस पेपर को यहाँ कटिंग करना है जैसे मैं यहाँ काटा हूँ। कटिंग करके इसको ऐसे करके और यहाँ पे टेप से इसको राउंड कर देना है ताकि कॉइल डालते समय पेपर इधर उधर ना हिले। ऐसे हो गया। अब इस कॉइल को इसमें पहनाना है दोस्तों, इस कोर की कौन सी भाग आगे वाला है, जो तीर का निशान लगाया हुआ हूँ इधर, इधर ही लीड रहेगा ये ऐसे, तो ये तीर का निशान अपने तरफ मैं कर रहा हूँ इधर, और सेम लीड इस साइड रहना चाहिए इसको, तो इस लीड को अपने तरफ करके इसमें इसको आराम से बैठा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों बिल्कुल आराम से बिल्कुल बैठ जाइए, देखिए फिनिशिंग से बैठ गए फर्स्ट क्लास। अभी बैठ जाने के बाद से इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, इस कोर के कोने से कट करेंगे इसको जैसे मैं कर रहा हूँ चारों तरफ से। ये दोस्तों ऐसे ऐसे कट करेंगे और एक और ऐसा पेपर काटेंगे जो मैं काट रखा हूँ, जो इसमें आ जाए ऐसे, देखिए ऐसे आ जाए, और जो कटिंग किए हैं ये वाले पेपर को इसी पेपर के पहले ऐसे मोड़ देंगे ऐसे करके दोस्तों, और अपने जगह पे चला जाएगा फील्ड कॉयल में जहाँ से निकला है वहीं पे इसको रख दे। इसके पहले दोस्तों ये सब करने से पहले इसमें वार्निश करना पड़ता है, क्योंकि फील्ड में टाइट कर देने के बाद से ये इसमें वार्निश बढ़िया से नहीं लग पाएंगे, इसीलिए फील्ड में टाइट करने से पहले इसमें वार्निश करते हैं। आइए इसको वार्निश पहले कर लेते हैं इस पूरी कॉयल को। तो दोस्तों ये वार्निश बिल्कुल सूख गई है, इसको मैंने वार्निश कर लिया था अभी सूख गई है ये, और ये वाला पेपर को मैं जो कटिंग करके दिखाया था इसमें लगा दिया हूँ,
अब आइए इन तीनों कॉयलों जैसा इसको भी सेट कर देते हैं यहाँ पे। अगर दोस्तों ये कॉयल भी अगर जली रहती है तो जिस प्रकार से इसका मैं वाइंडिंग किया हूँ सेम उसी प्रकार से इन कॉयलों का भी वाइंडिंग करना चाहिए। और इसका अंदर वाला मोटी वायर का वाइंडिंग तो नहीं जली थी इसलिए मैंने यहाँ पे लकड़ी का डाई का प्रयोग नहीं किया, फार्मे का प्रयोग नहीं किया। लेकिन अगर अंदर वाली मोटी कॉयल भी जल जाएगी किसी भी कॉयल का तो दोस्तों उसमें जो लकड़ी का फार्मा मैं दिखाया था उस फार्मा का प्रयोग करना चाहिए इसको कॉयल बनाने समय। तो सबसे पहले मोटी वाली वायर को कॉयल बनाते हैं, उसके ऊपर से पतली वाली वायर को कॉयल बनाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें मोटी वाली का दो लीड निकला हुआ है, ये मोटी और पतली वाली का दो लीड पतली निकला हुआ है। तो दोस्तों आइए इसको सेटिंग कैसे करते हैं। जैसे दो स्क्रू का जगह यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर होल भी बने हुए हैं दो इस साइड में, तो इसको यहाँ से लगाएंगे ऐसे। दोस्तों ये दो बोल्ट है, इसी बोल्ट से ये कसे जाएंगे। देखिए एक बोल्ट फंस गया, दूसरा वाला को भी फंसा लेते हैं। ये खोलना कसना बहुत ही आसान होता है दोस्तों, लेकिन खोलते कसते समय इसको ये देखना चाहिए कि कौन सी कॉयल कहाँ की है, उसी जगह पे इसको लगाना चाहिए अन्यथा सेटिंग में प्रॉब्लम कर सकती है। अब इसको चाबी द्वारा इसको फुल टाइट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया अब ये, और इसका सारे कनेक्शन इससे निकले हुए हैं। तो ये बाइंडिंग का कंप्लीट हो गया इसका। अब इसका बचा है इस सारे कॉयलों का कनेक्शन कैसे की जाती है दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं अगली पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इस कारण मैं वीडियो को यहीं ब्रेक करता हूं और अगली पार्ट में बताऊंगा इसका कनेक्शन कैसे की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी को भी दबाइएगा, क्योंकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।